हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं एक मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं आपसे बात करने वाला हूँ आज ट्रिकोटिलोमेनिया के बारे में। ट्रिकोटिलोमेनिया इसका मतलब है कि बाल उखाड़ना और निकाल के फेंकना, और वो बार बार करना, उसकी आदत। तो एक प्रकार की बीमारी है। बाल उखाड़ने की बहुत ऐसी तीव्र इच्छा हो जाती है। उसके पहले इच्छा, मतलब जब उखाड़ता है बाल, उसके पहले ऐसी इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो बेचैन हो जाता है, एंग्शियस हो जाता है, टेंशन आ जाता है उसको। बाकी कुछ सूझता नहीं है, और एक बार उसने बाल उखाड़ लिए तो थोड़ा मन शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में फिर बाल उखाड़ना। तो ये कुछ लोग बाल उखाड़ के फेंक देते हैं, या कुछ लोग उसको निगलते हैं और वो पेट में जमा हो जाता है। उसको बोलते हैं ट्राइकोबेसार, जिसका एक बाल का गोला तैयार हो जाता है पेट में। बाद में उसको ऑपरेशन भी करना पड़ता है, क्योंकि निकलता नहीं है वो। फिर ऑपरेशन से निकल जाता है वो। यूजुअली ये बाल निकालने का जो इम्पल्स है, वो इम्पल्स सिर के बाल निकालने के सबसे ज्यादा है, और बाकी भी शरीर के बाल निकालने की इच्छा हो सकती है, और वहां से भी वो बाल उखाड़ लेता है। तो ये कोई भी व्यक्ति को हो सकता है, स्त्री पुरुष करीब करीब समान है, कोई भी उम्र में। और इसमें फिर वो पूरा मतलब गंजा हो जाता है, तब तक वो बाल उखाड़ते रहता है। गंजा होने के बाद में वो आर्टिफिशियल हेयर्स भी लगाएगा, तभी भी उसको लगता है कि नहीं अभी ये निकालूं। और उसमें फिर काफी समाज में जाना, उसमें अड़चन आती है, लोगों से मिलना जुलना उसको अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि उसको भी, जो व्यक्ति है जिसको ये बीमारी होती है, उसको भी अच्छा नहीं लगता है। उसको लगता है कि अपनी बीमारी है, इसका इलाज मैंने करना चाहिए, मगर इतनी वो डिजायर आ जाती है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से थोड़ी अलग बीमारी है। इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के लक्षण दिख सकते हैं। इसका इलाज है, एक तो सम्मोहन उपचार है, सेल्फ हिप्नोसिस, जिसमें स्वयं सूचना देके इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। वैसे ही सेरोटोनिन की मात्रा कम होने वाली, मतलब जो कम हुई है उसकी मात्रा बढ़ाने वाली दवाई है, वो दवाई दे सकते हैं। पिमोजाइड नाम की दवाई है, वो दवाई दे सकते हैं। तो काफी सारी दवाई है कि जो दवाई देके इसका इलाज हो सकता है, और उसके साथ साथ मानसोपचार, सम्मोहन उपचार और दवाइयां ये दिया तो जरूर इसका इलाज होके वो व्यक्ति एक नॉर्मल जीवन जी सकता है। क्योंकि लड़कियों में समझो ये बीमारी होती है, तो उनका उनकी शादी करना उसमें प्रॉब्लम है, बाहर आना जाना होता नहीं है, लोगों से मिलना जुलना होता नहीं, तो एक सोशल इनहिबिशन आ जाता है, और उसे जीवन बहुत ही दर्द दर्द वाला हो जाता है, कि बहुत दर्द जीने जीवन जीने में तकलीफ है। तो इसका इलाज आपके संपर्क में जितने भी लोग होंगे, उसमें से आपको कहीं दिखाई दिया तो जरूर उनको वीडियो शेयर करो, उसका इलाज करवाओ, ताकि लोग अच्छा जीवन अपना